दिस इज मैं अनु प्रजापति एंड वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल हेपी एजुकेशन हब सो टूडे वीडियो अबाउट द महाभारता विच इज रिटन बाय व्यास सो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं महाभारता के बारे में जिसको व्यास जी ने लिखा है

बिकॉज वो देखने के बाद आपको महाभारत का एक बैकग्राउंड क्लियर हो जाएगा सो आई गिव द लिंक ऑफ दोज वीडियोज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स उन वीडियोज़ को जरूर देख ले नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले लेट डिस्कस अबाउट दी धृत राष्ट्र एंड गांधारी रथ सो वट डू यू अंडरस्टैंड बाय रथ का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा गुस्सा कि मतलब आप किसी चीज़ को खत्म ही कर दो तो कि आपको किसी पर इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा है कि बस मैं इसे मार दूँ वो वाला गुस्सा होता है रथ So, यहाँ पर गांधारी और धृतराष्ट्र इन दोनों का गुस्सा हम देखेंगे क्योंकि देखो वॉर जो है वो हो चुका है और धृतराष्ट्र और गांधारी के जो सौ पुत्र थे कौरवास जो थे वो मर जाते हैं तो यहां पर इन दोनों को वही वाला गुस्सा आ रहा है पांडवास पर कि बस हम अपने बेटों के जान का बदला ले पाए पांडवों से हम पांडवों को खत्म कर दे

कि इनका क्या रिएक्शन होता है अपने बेटों की डेथ पर दैट शोन देर सो आफ्टर वॉर पांडवाज रिटर्न बैक टू हस्तीनापुर सो देखो महाभारत का जो वॉर है ये ग्रेट बैटल खत्म हो जाती है और जो पांडव होते हैं हस्तीनापुर वापस आते हैं और ये वॉर जीत चुके होते है, Pandavas, हैं वी नो दैट पांडवाज महाभारत जीतते हैं सो जीतने के बाद ये वापस आते हैं हस्तीनापुर सो so, जब ये वापस हस्तीनापुर आते हैं दे डिसाइडेड कि वो पहले धृतराष्ट्र और गांधारी से मिलेंगे क्योंकि उन्होंने उनके सभी बेटों को मार दिया है वो इस टाइम बहुत दुख में होंगे दैट्स पांडवास डिसाइड हम धृतराष्ट्र और गांधारी से मिलकर आते हैं तो पांडवास कम एंड वॉच द विडोज ऑफ दे ब्रदर कौरवास ऑल वॉर दी व्हाइट सो जो पांडव होते हैं वो आते हैं और देखते हैं कि जो कौरवास की वाइफ है सभी कौरवास की वाइफ अब विडो हो चुकी हैं क्योंकि इनके हस्बैंड तो मर चुके हैं पांडवास ने मार दिए हैं So, वो आते और देखते हैं कि सभी कौरवों की वाइफ ने वाइट साड़ी पहन रखी है और उनमें बहुत ज्यादा गुस्सा होता है धृतराष्ट्र इन एंगर उनमें बहुत ज्यादा गुस्सा है वो अपने हस्बैंड की डेथ पर अपने बेटों की डेथ पर बहुत ज्यादा गुस्से में है एंड ऑल दी सन्स ऑफ द्रौपदी ऑल्सो किल्ड बाय अश्वत्थामा बाय मिस्टेक द्रौपदी ऑल्सो सो सैड सो देखो सो कौरवास तो मर चुके हैं एज वेल एज जो द्रौपदी है इसके भी पांचों बेटे मर गए हैं द्रौपदी के भी पांच बेटे होते हैं यू नो अबाउट इट सो ये पांचों भी मर जाते हैं और इन्हें कौन मारता है अश्वथामा कुछ लोग इसे अश्वत बोलते हैं कुछ अश्व बोलते हैं सो कमेंट बॉक्स में आकर अब आप लोग ये कमेंट ना करें कि आपकी प्रोनाउंसिएशन ऐसी है ये प्रोनाउंस कर दिया सो अश्व इज फाइन सो द्रौपदी के बेटों को कौन मारता है अश्व

युधिष्टर बिकम्स इमोशनल सो so, पांडवाज एज आई टोल्ड यू यहाँ पर धृतराष्ट्र गांधारी से मिलने आए हैं सो so, युदिष्ट्रा बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं इन्हें देख कि उन्होंने इतना बुरा करा है उनके सभी बेटों को मार दिया है धृत राष्ट्र कंट्रोल हिज एंगर रेथ यस yes, धृत राष्ट्र जो है पांडवास को देखकर बड़ी मुश्किल से अपना गुस्सा कंट्रोल करते हैं तो क्यूँकी उनके सभी बेटों को जिसने मारा है वो उनकी आंखों के सामने है तो ऑब्वियसली उन्हें गुस्सा तो आना स्वाभाविक सी बात है तो so, जाते हैं युद्धि धृत के सामने और वो बहुत इमोशनल हो जाते हैं बट धृतराष्ट्र भी अपना गुस्सा कहीं ना कहीं कंट्रोल करते हैं देन धृतराष्ट्र धृतराष्ट्र सीक्स भीम 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 उसके बाद जो वो भीम को बुलाते हैं कि कान सो कम्स इन फ्रंट ऑफ हिम आता है उनके सामने एंड धृतराष्ट्र राष्ट्र वॉन्ट्स टू हग हिम बट गॉड कृष्णा स्टॉप प्लेस आयरन स्टेच्यू इन फ्रंट ऑफ धृतराष्ट्र देखो युदिष्ट्र को देखने के बाद जो धृतराष्ट्र होता है वो बोलता है भीम कान भीम को बुलाओ मुझे भीम से मिलना है सो देखो धृतराष्ट्र तो होते हैं अंधे और युदिष्टर को देखने के बाद वो क्या कहते हैं कि मुझे भीम से मिलना है भीम को बुलाओ सो so भीम जब उनके सामने आता है वो तो देख नहीं पाते हैं सो so भीम जब उनके पास आ रहा होता है तो कृष्णा रोक देते हैं भीम को कि तुम रुक जाओ तुम अभी मत जाओ सो so कृष्णा बेसिकली भीम को एक इशारा कर देते हैं कि अभी तुम मत जाओ धृतराष्ट्र के सामने और कृष्णा धृतराष्ट्र के सामने एक आयरन स्टैचू रख देते हैं और धृतराष्ट्र देख नहीं पाते हैं कि ये भीम नहीं है तो आयरन स्टैचू है सो ही इज ब्लाइंड बट ही सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ इन हिज हैंड्स धृतराष्ट्र बेशक से अंधे हैं पर उनकी आर्म्स में एक सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ होती है एंड ही इज प्रिटेंडिंग टू हग भीम एंड क्रश भीम्स स्टैच्यू ब्लड कम्स फ्रॉम हिज ऑन बॉडी ही थिंक्स ही किल्ड किल्ड भीम फील्स हैप्पी एज ही हिज सन्स एनिमी सो क्या होता है धृतराष्ट्र का मकसद क्या होता है भीम को बुलाने का कि धृतराष्ट्र भीम को मार देना चाहता है कृष्णा ये चीज जानते थे कृष्णा रोक देते हैं भीम को आंखों का इशारा करके कि नहीं भीम अभी तुम मत जाओ और कृष्णा एक आयरन स्टैचू प्लेस कर देते देख नहीं पाते जैसे ही उस स्टैचू 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 को हक करते हैं दैट ऑफ आयरन आयरन सो तो कुछ होने वाला है नहीं धृत राष्ट्र का खुद का ब्लड आता है धृत राष्ट्र थिंग्स कि ये भीम का ब्लड है उन्होंने भीम को मार दिया सो so, वो बहुत खुश होते हैं कि उन्होंने अपने बेटे के दुश्मन को मार दिया अपने बेटों के मरने का बदला ले लिया सो so सुग उसके बाद क्या होता है वहां पर आता है संजय संजय कम्स एंड से संजय वहां पर आकर बोलता है कि महाराज ये आपने क्या कर दिया संजय कौन होता है संजय इज पर्सन जो कि धृतराष्ट्र को सभी इंसिडेंट्स नरेट करके बताता है क्योंकि धृतराष्ट्र इज ब्लाइंड वो देख नहीं सकते हैं सो संजय सभी इंसिडेंट नरेट करके बताते हैं अभी ये हो रहा है अभी ये हो रहा है सो so संजय आकर कहता है महाराज जी आपने क्या कर दिया एंड नाउ धृतराष्ट्र काम्स डाउन अब धृतराष्ट्र थोड़ा काम डाउन होता फील्स गिल्टी वो बहुत गिल्टी फील करता है कि उसने अपने खुद के ही भाई के बेटे को मारना चाहा एंड ही रिग्रेट्स इफ ही वाज गोइंग टू किल हिज ऑन ब्रदर्स और वो बहुत रिग्रेट करता है कि अगर वो खुद के भाई के बेटे को मार देता तो मतलब एक कितना बड़ा सिन वो यहाँ पर कर देता एंड देन कृष्णा कम्स एंड मेक्स हिम अंडरस्टैंड एंड देन धृतराष्ट्र अपोलोजाइज भीम उसके बाद कृष्णा वहां पर आते हैं और धृत को समझाते हैं कि आपके खुद के बेटे ही धर्म के खिलाफ थे तो so देखा जाए तो इसमें पांडवास का क्या ही दोष है और जो धृत राष्ट्र गिल्टी फील करते हैं और भीम से माफी मांगते हैं क्योंकि वो भीम को मारने जा रहे थे देन धृत राष्ट्र हक ऑल दी पांडवाज एंड गेव ब्लेसिंग सो जब अपोलोजाइज करते हैं धृत राष्ट्र तो कृष्णा बोलते हैं भीम को कि जाओ अब तुम हक कर लो गले मिल लो धृत से उसके बाद जाता है भीम गले मिलता है धृत के और जो धृत सभी पांडवों को अपने पास बुलाते हैं उनको अपने गले लगाते हैं और उन्हें ब्लैसिंग देते हैं और वो क्या कहते हैं दैट ऑल हिज हंड्रेड सन्स डाइड बट नाउ दे आर हिज सन्स एंड प्रोमिस टू लव दैम एज हिज ऑन सन उसके बाद धृत कहते हैं कि बेशक से मेरे सौ के सौ बेटे मर गए अब तुम ही मेरे बेटे हो और मैं तुम्हें ही अपने बेटों से ज्यादा बेटों जैसा प्यार

पांडवास को कर्ज कर देती सो so, व्यास स्टॉप सर एट द सेम टाइम और व्यास क्या कहते हैं When दुर्योधन was going to fight you, गांधारी says that धर्म always win. व्यास रोकते हैं गांधारी को और क्या कहते हैं कि गांधारी जब दुर्योधन फाइट करने जा रहा था वॉर करने जा रहा था तुमने खुद ही कहा था कि धर्म हमेशा जीतता है और अब तुम पांडवों को कर्ज कर रही हो जबकि गलती तो तुम्हारे ही बेटों की थी तुम खुद ये चीज मानती हो कि धर्म हमेशा जीतता है तो तुम अब पांडवों को कैसे कर्ज कर सकती हो एंड पांडव फॉर फॉलोइंग धर्म सो so पांडव तो धर्म ही फॉलो कर रहे थे तो उनकी जीत तो होनी ही थी और अब तुम उन्हीं पांडवों को कर्ज कर रही हो तो ये तो गलत बात हुई ना So, जब व्यास ये सारी चीजें कहता है गांधारी अग्री, जब व्यास उसे समझाने की कोशिश करता है कि तुमने ही कहा था धर्म हमेशा जीतता है गांधारी अग्रीड कि हाँ मैंने दुर्योधन को कहा था जब वो वॉर में जा रहा था कि धर्म की हमेशा जीत होती है लेकिन दुर्योधन दुशासन और शकुनी ही तो धर्म के अगेंस्ट थे मेरे बाकी बेटों को क्यों मारा गया व्हाट अबाउट अदर्स एंड देन शी सेज हाउ केन आई ब्लेम देम तो so, जो गांधारी होती है वो अग्री करती है व्यास की बात से और वो क्या कहती है कि ठीक है शकुनी दुशासन और दुर्योधन अगेंस्ट है लेकिन मेरे और बेटों को क्यों मारा गया एट द सेम टाइम वो कहती है कि मैं इन्हें कैसे ब्लेम कर सकती हूँ ये तो हमेशा से ही वॉर नहीं चाहते थे वो तो मेरे ही बेटे थे जो कि वॉर के लिए हमेशा इंसिस्ट करते रहते थे वॉर के लिए हमेशा तैयार खड़े रहते थे एंड गाइस गांधारी के पास एक स्पेशल पावर होती है दैट्स वाई भीम वॉज एबल टू किल हिम सो जो गांधारी होती है उसके पास एक स्पेशल पार होती है कि उसकी आंखों में एक दिव्य दृष्टि होती है और जब दुर्योधन वॉर लड़ने जा रहा होता है सो जो गांधारी है अपने बेटे को उसी स्पेशल पार से बचाने की कोशिश भी करती है देखो वो स्पेशल पार ऐसी थी जिससे गांधारी अपने बेटे को देखती है और उसकी पूरी बॉडी को ऐसे बना देती है कि वहां पर अगर उसे कोई मारेगा तो उसे लगेगा ही नहीं है एक तरीके से लोहे का शरीर बना देती है कृष्णा को पता था गांधारी ऐसा करेगी लेकिन गांधारी जो ये करती है ये कहीं ना कहीं धर्म के अगेंस्ट था क्योंकि गांधारी नोज उसके बेटे धर्म पर नहीं चल रहे हैं धर्म के अगेंस्ट है इसके बाद भी गांधारी अपने बेटों का साथ देती है तो कहीं ना कहीं कही गांधारी भी धर्म के अगेंस्ट जाती है सो so कृष्णा को तो पता होता है तो कृष्णा दुर्योधन को बोलते हैं कि तुम अपनी माँ के सामने क्या नेकेड जाओगे तुम ऐसे कैसे जा सकते हो अपनी माँ के सामने नेकेड एटलीस्ट अपने प्राइवेट पार्ट्स को तो ढक लो सो दैट्स वाई जो दुर्योधन होता है वो एक लीफ टाइप कपड़ा लेता हो और मतलब अपने प्राइवेट पार्ट्स को ढकता है सो so उसके बाद गांधारी अपनी आंखों से हटाती है क्लोथ पट्टी हटाती है और अपने बेटे पर वो दिव्य दृष्टि डालती है तो जहाँ जहाँ वो देखती है उसकी पूरी बॉडी पर दिव्य दृष्टि डल जाती है उस पार्ट के अलावा जहाँ पर वो क्लोथ पहनता है और जो भीम होता है उसको कृष्ण बता देते हैं कि इसको इसी पार्ट पर मारना है अदरवाइज इसको कोई असर ही नहीं होगा सो so, भीम इसी कारण मार पाता है दुर्योधन को क्योंकि उसे पता होता है कि कहाँ पर मारना है so, सो गांधारी ये चीज एक्सेप्ट करती है कि हाँ मैंने ये चीज बहुत गलत की थी क्योंकि मेरे बेटे ही धर्म के अगेंस्ट थे एंड देन शी सेज ड्रिंक से ब्लड देन भीम एक्सप्लेन उसके बाद गांधारी कहती है कि भीम ने तो मेरे बेटे का खून पिया था सो so, उसके बाद भीम एक्सप्लेन करता है कि हाँ ये बात सच है उसने कसम खाई थी गैम्बलिंग मैच में कि वो दुस्सासना का ब्लड पिएगा और उसने वो ब्लड पिया भी बट एट द सेम टाइम उसने वापस मुड़कर उस ब्लड को थूक दिया हिस्पिटेड उसने जो वो ब्लड मुँह में लिया था उसने वो पीछे मुड़कर थूक दिया था बिकॉज कहीं ना कहीं वो उसके खुद के भाई का उसका खुद का ही खून हुआ सो so वो उसे कैसे पी सकता था उसने ऐसा नहीं किया कसम पूरी करने के लिए उसने मुँह में खून लिया बट उसने वो खून पिया नहीं उसने वो खून फेंक दिया था एंड देन गांधारी सेफ्ट एटलीस्ट वन ऑफ माई चाइल्ड दुर्योधन को मार दिया दुशासन को मार दिया मेरे किसी एक बेटे को तो छोड़ देते हाउ कैन यू ब्लेम मी फॉर ऑल दिस योर सन्स वॉन्टेड दिस वॉर नॉर अस युधिस्ट्रो ऑलवेज फॉलो धर्म अगेंस्ट दी वॉर उसके बाद भीम कहते हैं कि तुम हमें ही कैसे ब्लेम कर सकती हो गांधारी हर चीज के लिए तुम्हारे बेटे वॉर चाहते थे ना कि हम और युधिष्ठिर जो कि हमेशा धर्म पर चलते हैं इनफैक्ट वो तो चाहते ही नहीं थे कि ये वॉर हो वो तो थ्रू आउट इस वॉर के अगेंस्ट रहे तो कैसे तुम हमें ही हर चीज के लिए ब्लेम कर सकती हो और उसके बाद कहते हैं भीम यू नो वॉट हैपन इन द डाइस गेम तुम्हें पता है कि डाइस गेम में क्या हुआ था उसके बाद भी तुम हमें ही ब्लेम कर रही हो डाइस गेम में मैंने कसम खाई थी जो कि मुझे पूरी करनी थी इसीलिए तो मैंने खून पिया दुशासना का जो कि बस मुंह में लिया था पिया तो था ही नहीं फेंक दिया था थूक दिया था सो so, इतना सब कुछ हमारे साथ डाइस गेम में हुआ था उस टाइम पर हमने एक कस्में खाई और वो कस्में फुलफिल करनी बहुत नेसेसरी थी और अब तुम्हारे ही बेटे वॉर चाहते थे एंड नाउ यू आर ब्लेमिंग अस अब तुम हम पर सारे इल्जाम डाल रही हो जबकि सारी गलती तो तुम्हारे खुद के बेटों की थी सो so, भीम क्या कहते हैं यू आर फोकसिंग ऑन इवेंट्स जस्ट थिंक अबाउट इन इन डाइस गेम सो भीम कहते हैं कि आप सिर्फ उन्ही इवेंट्स पर फोकस कर रही हो जो रिसेंटली हुए हैं कि आपके बेटों को मार दिया बट अब वो तो सोचो कि हमारे साथ पास्ट में क्या क्या हुआ है हमारे साथ डाइस गेम में क्या क्या हुआ देन हमें एग्जाइल में भेज दिया गया हमारे साथ इतनी सारी चीजें हुई आप पास्ट में जाकर तो देखो पहले हमारा घर जला दिया था उससे पहले आप सिर्फ रिसेंट इवेंट्स को फॉलो कर रही हो उन पर फोकस कर रही हो जस्ट थिंक अबाउट द द पास्ट पास्ट व्हाट हैड हैपेंड इन एंड देन गांधारी को भी अपनी गलती का रियलाइजेशन होता है कि हाँ पांडवास के साथ सच में ही पास्ट में मेरे बेटो ने बहुत बुरा बुरा किया सो देन गांधारी वांट्स टू टॉक टू युधिस्ट्रा युधिस्ट्रा सेज कर्स मी नाउ गांधारी रियलाइज धर्म ऑलवेज विन सो so, गांधारी को अपनी गलती का रियलाइजेशन हो जाता है और वो कहते हैं युधिस्ट्रा कहाँ पर है युधिस्ट्रा कहता है कि मुझे कर्ज करो क्योंकि मेरी वजह से ये वॉर हुआ डाइस गेम में ना मैं सब कुछ लॉस्ट करता ना ये सब कुछ होता देन गांधारी को रियलाइज हुआ कि धर्म हमेशा जीतता है गलती तो उसके बेटों की थी सो so, ये सोचकर गांधारी रोने लग जाती है शी वीप्स एंड क्लोथ रिमूव्ड फ्रॉम हर आईज लाइट फॉल्स ऑन युधिस्ट्रा फीट एंडीट बंट सो so, देखो गांधारी रियलाइज होता है कि धर्म हमेशा जीतता है और उसके बेटे ही गलत थे सो so, ये सोचकर गांधारी की आंखों से आंसू आ जाते हैं और कपड़ा गीला हो जाता है पूरा और उसकी आंखों से वो पट्टी हट जाती है सो so, जब जब उसकी आंखों से वो क्लोथ रिमूव होगा वो पट्टी हटेगी उसकी आंखों से एक दिव्य दृष्टि निकलती है सो so, गांधारी के सामने होता है युधिष्ठरा और जैसे ही वो पट्टी रिमूव होती है गांधारी की आंखें पड़ती हैं युधिष्ट्रा की फीट पर सो so, गांधारी की आंखों से वो दिव्य दृष्टि निकलकर युधिष्ठर की फीट पर पड़ती है और युधिष्ठर के फीट पूरे जल जाते हैं सो अर्जुन हाइड्स बिहाइंड कृष्णा सो अर्जुन ये देखकर डर जाते हैं वो कृष्णा के पीछे जाकर खड़े हो जाते हैं क्योंकि युधिष्ठर के फीट पूरे जल जाते हैं नाउ गांधारी काम्स डाउन एंड लॉस्ट हर एंगर ब्लेस्ड ऑल दांडवर्स एंड सेज दे आर सन्स नाउ सॉरी दे आर हर सन नाउ ठीक है गांधारी उसके बाद काम डाउन हो जाती है अपनी गलती का रियलाइजेशन करती है फिर वो अपना जो गुस्सा था उसे कहीं ना कहीं काम डाउन करती है और सभी पांडवों को ब्लेसिंग्स देती है और बोलती है कि आज से तुम ही मेरे बेटे हो एंड देन पांडव लेफ्ट टू मीट देअ मदर कुंती उसके बाद जो पांडव होते हैं अपनी माँ कुंती से मिलने चले जाते हैं क्योंकि इतने सालों से जब से वो एग्जाइल में गए थे अपनी माँ से मिल ही नहीं पाए तो वो कुंती से मिलने के लिए यहां से चले जाते हैं तो गांधारी और धृत का गुस्सा किस तरीके से शांत होता है दैट वी हैव हियर सो दिस इज द समरी ऑफ धृत राष्ट्र एंड गांधारी रेथ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो ताकि फ्यूचर में जो वीडियो अपलोड करो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए एंड इसके बाद भी यू आर हैविंग एनी डाउट देन डू कॉन्टेक्ट मैं इंस्टाग्राम फेसबुक पेज एंड एंडसएप आई गिव द लिंक ऑफ ऑल द थ्री इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स डू फॉलो मैं इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें कमेंट करके बताएं कैसी लगी अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू